टीवी के सारे ही दर्शकों नूं मेरी वालों प्रेम भरी नमस्कार, जय गुरदेव, जय भीम, जय भारत। प्यारे दर्शको, मैं थोड़ा बिशनदास बैंस देश प्रदेश प्रोग्राम लैके थोड़े सामने पेश होया हाँ। और प्यारे दर्शको, खुशी की गल है कि अज मेरे साथी जो दो तीन हफ्तों तो बिछड़ गए सन, वो मेरे नाल अज विराजमान हैं। मेरे कहन तो मतलब यह है कि दविंदर चंद्र जी अज मेरे नाल मेरा साथ देने लिए इत्थे आ गए हैं। दविंदर जी, थोड़ा स्वागत है कांची टीवी ते। थैंक यू वेरी मच जी, और सारे दर्शकों को भी मेरे वालों जय गुरुदेव, जय भीम। थैंक यू। प्यारे दर्शको, प्रोग्राम शुरू कर दो पहला, अज असी ये आ के दो तीन दिन चार दिन लंघ गए और सवित्री बाई फूले, माता सवित्री बाई फूले उन्हां दा जिहड़ा जन्मदिन सीगा वो 3 तरीक नूं सीगा, और असी उहदे ते प्रोग्राम, मैनूं ये पता लगा किसी होर साथी ने प्रेजेंटर ने कीता हैगा, और अज असी उन्हां दे जन्मदिन दे उत्ते तुहानूं हार्दिक बधाई दिंदे हां। और उन्हां दी जो काम हन जां औरत लई देण है, असी उन्हां नूं अपने शरदा दे फुल भेंट करदे हाँ और कोटि कोटि प्रणाम करदे हाँ। प्यारे दर्शको, और सब नूं माता सवित्री बाई फूले उन्हां दे जन्मदिन ते बहुत बहुत लख लख बधाई। दविंदर जी, तुसीं कुछ? हाँ जी, ये बहुत सवित्री बाई फूले जी और ज्योतिबा फूले जी जी इन दोनों महापुरशों का मतलब अपने बहुत ही पूरे समाज के उत्ते जी जी बहुत वड्डी देन है। ज्योतिबा फूले जी ने एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंस दी हैगी, और उस तो बाद उन्होंने जिस तरीके नाल माता सवित्री बाई फूले जी ने खुद कोलों एजुकेशन दिती और उन्होंने इस काबिल बनाया कि उन्होंने मतलब टीचर बनाया जाए। टीचर की जॉब उन्होंने की, भारत की पहली महिला टीचर जी सी वो बनी, और फिर उन्होंने खास करके औरतों वास्ते भी स्कूल खोले और वह भी सारे वर्ग दौरतों जी जी, जबकि किसी भी वर्ग की औरत को एजुकेशन लैण का हक नहीं, चाहे वह किसी कास्ट की हो, चाहे किसी वर्ण की हो, और उन्होंने वास्ते इन्होंने मतलब स्कूल खोले और जी एजुकेशन की शुरुआत देन मतलब वो इन्हों की है, वो इन्होंने की है। जो आप कहें कि भारत में सरस्वती जी वास करती हैगी, आम लोगों सरस्वती, आम लोग सरस्वती की पूजा करते हैं, पर जे सही मैंने देखा जाए माता सवित्री बाई फूले जी है जे जिन्हू जिन्हों की मानता, जिन्हों की श्रद्धा होनी चाहिए, जिन्हों के प्रति सानू पूरे भारतीयों पूरी औरत जाति आभारी होना चाहिए है। वेरी नाइस, हाँ जी, थैंक यू। हाँ जी, सो प्यारे दर्शको, शरदा दे फुल भेंट करन तो बाद असी अज कुछ इहो जिहे मुद्दे हैगे आ जिहड़े कि खास हैगे आ, वो तुहाडे नाल सांझे करने चाहुंदे हाँ। और मैं थोड़ा जिहा इशारा भी कीता सीगा कि एंटी कन्वर्शन लॉ बनाए जा रहे हैं और कुछ मुसलमानां दे खिलाफ कोई गल्लां हो रही हैं। वो ये है कि प्यारे दर्शको, आम तौर पर यह है कि जिहड़ा डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हैगा वो अज दुनिया के तकरीबन 75-80% दुनिया के देशों के विच जिहड़ा डेमोक्रेटिक सिस्टम हैगा उन्हें एक्सेप्ट किया गया हैगा, और बड़े बड़े जिहड़े साइंसदान पॉलिटिशियन है लाइक इब्राहिम लिंकन अमेरिका का प्रेजिडेंट होया, और बाबा साहब भी उन्होंने भी ये गल कही थी कि लोगों की गवर्नमेंट लोगों द्वारा चुनी हुई लोगों वास्ते गवर्नमेंट है जी, बाय द पीपल ऑफ द पीपल फॉर द पीपल। एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के बीच बहुत ही इसकी अहमियत है, और पर इनू सही तरीके नाल वरत्या जाए, सही तरीके नाल इंप्लीमेंट इहदी कीती जाए। पर कई दफा बड़ी शर्म की गल हैगी कि भारत दे विच सियासतदान इहदी म्यार इन्नी नीवी कर जांदे हन कि हर कोई बुद्धिजीवी सोच में पै जाता है कि ये मतलब किस तरीके दे नाल इहनू इंप्लीमेंट कर रहे हैं। भारत का जिहड़ा रिपब्लिक डे भी हैगा, तुसीं देखिया
वो आ के भारत के बे जनपथ रोड के उत्ते बड़ी धूमधाम के नाल हर साल मनाया जाता है और बड़ा दुनिया नू दसिया जाता है कि भारत सब तो बड़ा एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। पर असलियत प्यारे दर्शकों यह है कि जब इलेक्शन आते हैं कोई रोटी कपड़ा मकान की गल नहीं करता है, ये एक बड़ी मंदभागी गल हैगी। जबकि इलेक्शन के दौरान रोटी कपड़ा मकान इंप्लॉयमेंट एजुकेशन लोगों का सुधार सैनिटेशन हाइजीन हाईवेज जे सोशल वेलफेयर डिवेलपमेंट इशू जोड़े उन्होंने गलों बात होनी चाहिए हैं और वो गलां बातां बिल्कुल नहीं हो रही हैं, क्योंकि भारत दे विच तुहानूं पता कि इस वेले किन्ने लोग अनपढ़ हैं, किन्ने लोग बेरोजगार हैं, गरीब हैं, बिलो द पावर्टी लाइन। असीं कई बारी ये मतलब बयान किया हैगा कि तकरीबन 30-40 करोड़ जिहड़े हैगे लोग वो बिलो द पावर्टी लाइन रहिंदे हैं और 30-35 करोड़ जिहड़े हैगे आ वो बिल्कुल अनपढ़ हैं, अपना नाम नहीं लिख सकते हैं और एक चपड़ासी या गार्डन की नौकरी ले जा एहोजियां नौकरियां ले टैलीविजन ते हुणे हुणे दिखाते सन उत्थे BA MA दविंदर जी मैं देखिया इंडिया दे एक चैनल दिखा रहा सीगा लाइनां लगियां BA MA एक चपड़ासी की नौकरी नूं और रक्षा बहुंदे आ और स्कूटर बहुंदे हैगे एहोजियां दिहाड़ी दे काम करदे ने, बड़ी शर्म की गल हैगी आ। और खास तौर पर इलैक्शन ज़्यादा आउंदे हन, तुसी हुण भी निगाह मारो भारत दे विच 5 सूबियां दे विच इलैक्शन जिहड़े आ उहनां दी जदोजहद चल रही है। प्यारे दर्शको वो ये है कि राजनीति नू अध्यात्मक रंग दिता जाता है, अध्यात्मक हुंदा कि धार्मिक रंग, कौन सब तो बड़ा जिहड़ा हैगा वो हिंदू आ। इस वेले ये गल चल रही आ कि भारत दे विच सब तो बड़ा हिंदू जिहड़ा वो मोदी है जां राहुल है जी, सब तो ज़्यादा मंदिरों के मत्था टेकन कौन जाता है। इहो जिहियां गल्लां जिहड़ियां हैगियां ये आ कि लोगों नू इलैक्शनां दे दौरान जिहड़े हैगे आ बड़े मुद्दे छड्ड के लोगों नू गुमराह कर ले कि सब तो बड़ा धर्मात्मा कौन है, जात बरादरी के मुद्दे जिहड़े आ उन्हां नू उभार के लोगों के जज्बात जिहड़े हैगे आ वो उभार के उहदी गलत वरतों की जा रही है और कानून बनाउण वाले जिहड़े आ वो इहो जिहे उल्टे सीधे बयान दिंदे हन जां उहनां दे जिहड़े फॉलोअर हन वो उल्टे सीधे जिहे बयान दिंदे हन कि लोगों के विच फसाद खड़े हो जाण, जाति फसाद खड़े हो जाण, धार्मिक फसाद खड़े हो जाण और धर्म जिहड़े हैगे आ मोहरे लीडर हैगे आ वो जिसले लीडर जां मंत्री बनते हैं जां मुख्यमंत्री जां चीफ मिनिस्टर बनते हैं वो भारत के संविधान की कसम खाते हैं कि मैं संविधान की राखी करांगा है जी, पर यह है कि उन्होंने कहनी और कथनी दे विच बहुत फर्क है, कसम तो खा लेंगे पर करते वे उल्ट है और अज असी योजे घिनौने शर्मनाक बयान जड़े आ ना उन्होंने उत्ते पहला एक थोड़े सामने एक मिसाल भेंट करांगे कि एक BJP का सपोर्टर है, हो सकता मैंबर भी हो, उहदा नाम कालीचरण महाराज, बहुत वड्डा नाम आ कालीचरण महाराज, उहदे बयान आए आ ऐसे ही हफ्ते 4-5 दिन होए आ, वो हरिद्वार दे विच एक उहनां दा धार्मिक संसद कहिंदे हन। पहलां तुहानूं कालीचरण बारे इको गल दसदे आ कि 8 जमातां दे विचों 2 वारी फेल हो गया जी जी, और जिस तरह हुण मापे दुखी हो जाते हैं वो कितने घर दे उहदे बाप ने फादर ने चपेट मार दिती, 2 बारी फेल हो गया, चपेट मार दिती, वो घरों दौड़ गया, घरों भज गया, घरों भज गया और जाके साधा दे डेरे बन गया। वो हुण ये आ के उहदा नाम अभिजीत सरंग सीगा, अभिजीत सरंग सीगा, धनजय सरंग, और उत्थे जाके कालीचरण महाराज बन गया, मत्थे दे उत्ते उन्हें तिलक ला के और पुजारी बन के उत्थे महाराज कहाउण लग पिया। मैनू ये नहीं पता कि महाराज की उपाधि हुंदी की है और किस तरह मिलती है। और देखो उन्हें एक बयान दिता प्यारे दर्शको, उन्हें ये कहा कि जिहड़ा नथूराम गौडसे सीगा वो एक देश भगत सीगा और गांधी महात्मा गांधी राष्ट्रपिता जिहड़ा हैगा वो एक गुदार सीगा। देखो राष्ट्रपिता बापू नू गाली
और नथुराम गौडसे नू ताली एक गल उन्होंने आप ये पेश की और उन्होंने कहा कि मुसलिम जड़े है मुसलमान लोग जड़े है एक भारत कैंसर वा जी देखो कहो जे लफ्ज़ वरते हैं बिल्कुल और इन्हों मारना खत्म करना एक धार्मिक किरिया है जी भारत मुक्त कराने लई आजाद कराने लई मुसलमानों मारना देखो सीधा ही ओपनली एक धार्मिक किरिया हैगी और भारत आजाद कराने लई एक काफर लोग हैं इन्हों खत्म कर देना चाहिए था। सो प्यारे दर्शको उन्होंने इतों तक भी यह कहा कि नथुराम गौडसे जड़ा हैगा जिन्हें 30 जनवरी 1948 गोली मार के महात्मा गांधी का उन्हें उदी हत्या कर दी सी वह कहते भी उस वो बंदा जड़ा कातल है वो राष्ट्रपिता होना चाहिए जी आजादी कोई मतलब वो दी देन नहीं हैगी और उदे पिछे RSS जां उदा गुरु सवास्कर है जी सरवास्कर जिन्हों कहिंदे आ वो हैगा और उदे बयाना दे उत्ते किसे ने कोई एक्शन नहीं लिया उदों तक जदों तक मुल्क दे विच इह आ कि ज्वाला वांगू लोग भड़क गए कि यह बंदा देखो कि दिमागी तौर पर सही भी आ ये की कह रहा हैगा ता जिहड़ी उत्थे दी पुलिस हैगी आ इहो जिहा बयान वह एक रायपुर महाराष्ट्र दे विच भी दे के आया सीगा और FIR उहदे खिलाफ पहला भी दर्ज सीगी। सो यह आ कि बहुत रौला पैण तो बाद यह आ कि उहनू गिरफ्तार किया गया और उहदे उत्ते पता नहीं की एक्शन आना की नहीं आना और इहदे मुकाबले दे उत्ते देखो यह आ कि पिछले हफ्ते का प्रोग्राम ठीक है मेरा वो रिपीट से कोरे गाँव का पर दविंदर जी हाँ जी नजायज लोग फड़े हुआ बिल्कुल हाले ताई उन्होंने उत्ते देश द्रोही का फतवा ला के 3-4 साल हो गए अंदर रखे हुआ हाले कोर्ट तक नहीं लै गए कोर्ट तक नहीं लैके गए और हाले तक उन्होंने अंदर रखे आ उन्होंने हालां तक यह आ कि उस जगह पर भी नहीं सके कोरे गां जिथे फसाद कराने वाले कर उन्होंने कराया उत्थे नहीं सके और उन्होंने फड़ के उन्होंने कहा कि इदा दे काम करते भड़काऊ लिखते भड़काऊ बयान इन्होंने मीटिंग की करके गल हुई है पर आ खुलेआम जिहड़ा भड़काऊ बयान दिते है और यह आ कि आपस में ही कतलो गारत करन दे जिहड़े उन्हें कहा कि मुसलमानों मारो ता भारत जिहड़ा उहनू तुसीं इह आ कि आजाद करा सकदे आ इह एक कैंसर आ उहने कहा मुसलमान जिहड़े आ भारत दे उत्ते। दविंदर जी तुसीं की कहना चाहुंदे हो काफ़ी चंगी तरह तुसीं एक्सप्लेन कर दिता हैगा कि जिहड़ी नफरत दी राजनीति आ इह कर रहे आ जिहड़ी मौजूदा एक्चुअली जिहड़े प्रोग्राम हुंदे हैगे आ जां कालीचरण महाराज सो कॉल्ड है इह अपने तौर ते नहीं है इह पूरी सरकार दे सहयोग नाल उहदे शहर दे नाल बिल्कुल प्रोग्राम सारा एक मौजूदा जिहड़ी पावर दे विच पार्टी है उहदे नाल उन्होंने किया हैगा और हुण मतलब आके जिदा उन्हें रजिस्टर किया है केस कालीचरण से भी किया इहदे नाल एक मलिंद एक बोटे हाँ जी ना मुच्छा दियां बाला तुहानूं पता जिहनूं गुरु जी भी कहिंदे आ ओह मतलब करके वह भी उत्थे सीगे और कैप्टन डिगेंद्रा कुमार रिटायर कैप्टन है वह भी उत्थे सी मतलब होर भी बहुत मतलब हजारां दी गिणती दे विच लोग सी उत्थे तुहाडी गल विच टोक हां जी हां जी उहदा जिहड़ी हैगी आ रोल हैगा जी जी उह कोरे गांव दे विच वी उहदा प्रसाद है बिल्कुल सिर्फ मतलब मजहबी रंग दे के जां लोकां नूं भड़का के लोकां नूं अपने हक च करके हिंदू के नाँ से गुमराह करके यानो मतलब मुसलमानों के खिलाफ भड़का के जो मुसलमानों के खिलाफ भड़काते हैं ना तो वह मतलब यह होंगे कि बाकी सारे हिंदू आ बिल्कुल मुसलमान मारे आ तो बाकी सारे हिंदू आ इन्हों एक हो जाना चाहिए वो एक हो के तो इन्हों मोदी वर्गे मूहरे रखना चाहिए यानो देखो ये कह भी चुके आ कि हिंदूइज्म खतरे च आ जी इन्हां दे लीडर मोहन भागवत अर्गे वो कह चुके आ कि हिंदूइज्म खतरे च आ कितों खतरे च आ
देखो नाले कहते 80-85% हिंदू आ, हाँ यू नो भारत के 80% हिंदू आ, फिर भी इन्हों खतरा कितना लगता जी जी कितों खतरा हैगा। सो हाँ जी अच्छा थोड़ा अगे बधे तुसी मेरा ख्याल तुसी गल करनी हैगी आ कि जेडे हिंदूइज़म खतरे तो गल चल के गह पहुँचती है कि कन्वर्शन हैगी बारे गल करनी चाहते कॉल ले लीए पे। हैलो जी जागरदेव जय पी कौन ते कितों साहब जी। हैलो जी मैं तुहाडा प्रोग्राम देख रहा कल एक चैनल मैं खबर सुनी है कि पीएम मोदी फिरोजपुर गया जिथे उन्हें तकरीर करनी सी ते सारियां कुर्सियां खाली सन ते बगैर किसी तकरीर के बठिंडा हैलीकॉप्टर तो वापस चला गया ते फिरोजपुर पाकिस्तान के बॉर्डर से बड़ा नज़दीक है ते जदों मोदी साहब पंजाब गए ते चीफ मिनिस्टर या कोई ऑफिशियल ने उन्हें रिसीव नहीं किया बारे जरा जिक्र फरमाओ। मोदी ने भी कहा कि शुक्र है कि मेरी जान बच गई है ते मैं सही सलामत वापस चला गया ते किसे एक प्राइम मिनिस्टर ने इस तरह के बयान तो नहीं देने चाहिए मुतलिक जरा कुछ तबसरा फरमाओ। थैंक यू मोहम्मद साहब टैलीफोन करन दा। ओ सारिया ने टैलीविजन ते देखिया जो कुछ पंजाब दे विच होया और उहदे बारे पंजाब दे चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी ने एक इनकुआरी बिठाती है हाई लैवल इनकुआरी जी और मेरा ख्याल है कि आपां उहदे ते बहस ना शुरू करिए इनकुआरी जिहड़ी आ आई थिंक थोड़ा जिहा उहदे करके पंजाब दा मसला हैगा काफ़ी लोग इंट्रस्टड है दो मिनट दे विच चलो होना चाहिए कि चलो कि लोगों के आम लोग की है असलियत की हैगी थोड़ा जिहा की लगता की हैगा ते दो मिनट गल हो जानी चाहिए। मोहम्मद साहब ने कह तां दित्ता वी कुर्सियां खाली सी बहाना टोल लिया बहाना बिल्कुल यही है और सिर्फ यही नहीं है कि मतलब दिखा रहे भी है कुर्सियाँ खाली सी हूँ जो वैदर फोरकास्ट की जो आप गल करते हैं ना जी जी तो अजक अपने मोबाइल से ही पता लग जाता भी कल वैदर कि होना। हाँ जी प्राइम मिनिस्टर पहले ही पता से वैदर फोरकास्ट जोड़ा है कि हो सकता है यानो सो इस करके उन्होंने पहले अपने तरीके प्रबंध कर लेने चाहिए सी पर जी वी चीज़ है मैं उस सारिया रिपोर्टा जीडिया दिखा रहे थे ना टैलीविजन के सारे डिफरेंट डिफरेंट चैनलों के उत्ते उन्होंने मैं काफ़ी गौ के नाल देखा जी वो कहते कि अगे जा के किसान ने रोड ब्लॉक की अगे जा के कि किसान ने रोड ब्लॉक की जी मतलब वह खाली नहीं है इस करके जो कारवा है प्राइम मिनिस्टर का उतो ही लंघ नहीं सकता मतलब 15-20 मिनट उत्थे रहे और पूरा पंडाल जोड़ा है एक प्राइम मिनिस्टर गया आ उसके कोल अपने इन्ने चैनल हैगे आ पंडाल दे विच कोई फोटोग्राफर नहीं है उन्हों दा जिहड़ा दिखाले कि इत्थे लोग इंतजार कर रहे आ या फिर जिहड़ा जिथे सड़क रोकी आ फार्मरां ने या सिखां ने रोकी आ किसी ने भी रोकी होवे उह दिखाना चाहिए भी कित्थे आ उह यानो भी कित्थे हैगे उह किन्ने आ 100 आ 50 आ 1000 आ 10000 आ यानो या किन्ने मील लंबा उन्होंने कवर किया हैगा कोई नहीं दिखा रहा पर जिहड़ा जान नू खतरा हैगा उन्हां दे लागे कौन सीगा। अरे 15-20 मिनट तो उत्थे खड़े रहे वो फ्लाईओवर के उत्ते गन्ना वाले उन्हां दे कोल उन्हां दे लागे दी कोई लंघिया नहीं चिड़ी नहीं फड़की उत्थे सिर्फ जे सीगे तो झंडे वाले जिहड़े हैगे आ बीजेपी दा झंडा चक के मोदी दे नारे लाउण वाले सीगे कई बार वह दिखा दे कि उत्थे जिहनो खालिस्तान नहीं पहुंचे सी पर हालांकि वह बीजेपी दे वर्कर मोदी दे नारे ला रहे आ सो ये एक्चुअली होर इन्हां कोल कुछ है नहीं ये सिर्फ अपना सियासी लाभ लैण वास्ते सिखां नूं बदनाम करन वास्ते पंजाबियों नूं बदनाम करन वास्ते इन्हां ने सारे ये कीती है कि खतरा सी यानो हालांकि इहो जी कोई गल नहीं हैगी असलियत यही है जिदां मुहम्मद जी ने कहा हैगा आ कि कुर्सियां खाली सी उत्थे हुण किदां जाणा एड्डा वड्डा प्राइम मिनिस्टर हैगा एड्डी वड्डी कंट्री दा हैगा ते उत्थे जी मुड़े कुर्सियां खाली है उत्थे सत्त बंदे बैठे होण सत्त होण जां 70 होण 700 भी होवे यानो जिथे उन्हां लखां बंदिआं दा प्रबंध कीता आ ते ओह उत्थे मतलब 200-400 बंदे ही होवे। एक गल होर भी आ बहुत दफा इहो मीडिया वालिआं ने हाईलाइट कीती आ लोकां नूं पुछिआ जी भई तुसीं इत्थे की देखण आए आ बहुत सारे गरीब लोग औरतों को पूछा एक दफा राजस्थान च भी वो कहते भी सानू लिया 500 रुपये देंगे 400 रुपये वो कहते 100 रुपया दिहाड़ी मिलती है 500 दें और ये आ के वो पहाड़े दे टट्टू लिया के पंजाबी दी सिम मैं लफ्ज़ वरता सॉरी दर्शको वो लिया के अपनी हाजरी बनाउंदे
और यो ही काम उन्होंने बंगाल च भी किया बिल्कुल पर यह आ कि उत्थे इन्नी लोगों की जड़ी भीड़ दिखाते थे कि इन्होंने सारा जरा मुल्ख जित लिया है बंगाल के इन्नी भीड़ थी और उतों बुरी तरह हारे आ यो ही गल यूपी च हो रही आ कि जिथे तक निगाह मार लो उत्थे तो लोग खड़े आ वो करते की आ प्यारे दर्शको ये आ कि हर एक पिंड दे विच हर एक शहर दे विच बीजेपी के जेडे सैल हैगे ऑर्गेनाइजेशन हैगियां उन्हां दियां ड्यूटियां लाउंदे आ उन्हां नूं फंड दिंदे आ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓਗੇ ਔਰਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓਗੇ ਉਹਦਾ ਲਾਉ ਖਰਚ ਉਹਦੇ ਲਾਉ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖੇਲ ਹੈ ਇਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੀ ਖੇਲ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਸ਼ੋਅ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ हो सकता कोशिश की होगी कोशिश की है जड़िया बसा भी हायर कीतिया ही रिपोर्टर दस दें 500 बसा जगह उ पार्किंग सी जिते रैली सी मतलब वो बंदे उन्होंने कुछ बसा आई जो खाली आई उन्होंने मतलब उसे पैसे लैके भी बंदे आने वास्ते तैयार नहीं हुए आम मीडिया के बच्चे गल आती हैगी चलो आप अगे अगे गल करते हैं जी अगली गल प्यारे दर्शको उदे नाल ही जिहड़ी ये आ कि मैं खास तौर पर इस्लामोफोबिया की गल कर रहा कि मीडिया जिहड़ा एक बहुत अच्छी गल हैगी सोशल मीडिया जिहड़ा हैगा ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਖਿਆ ਮੀਡੀਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਕਈ ਦਫਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਉਹ ਉਲਟ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਲਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਪ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਰੀ ਆਪਣੇ ਔਨਲਾਈਨ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਐਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੁਛ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੁੱਲੀ ਡੀਲ ਸੁੱਲੀ ਡੀਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭੈੜੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਕਾਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੁੱਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸੁੱਲੀ ਡੀਲ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕਿ ਬੁੱਲੀ ਬਾਈ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਇਆ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਔਰਤਾਂ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਔਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਾਹਸ ਰੱਖਦੀਆਂ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਿਵਾਨਾ ਆਜ਼ਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਹੈਗਾ ਪੋਇਟ ਹੈਗਾ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਕਾਊ ਹਨ ਫਰ ਸੇਲ ਫੋਰ ਆਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦੋ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਬਕਾਊ ਹਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੋਲੀ ਦਿਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਿਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੋਲਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਬਾਲੀ ਬੋਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 3-1 ਨੂੰ ਮੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਔਰਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕੇ ਡਿਸਹਰਟਡ ਕਰਨਾ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਉੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਉੱਚੀ ਮਿਆਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ
हाई कैलीबर दियां औरतां हैगियां, लीडरशिप दे विच हैगियां, और उन्हां दे खिलाफ इहो जिहियां गल्लां करके लिख के ये की मतलब अचीव की करना चाहते हैं। एक औरत हैगी वकील हैगी, बड़ी हाई क्वालिटी के वकील हैगी, उन्हें कहा है बिल्कुल होर कुछ नहीं, इस्लामोफोबिया हैगा, और ये जड़े है राइट विंग हिंदू हैगे जा RSS दे जड़े है नुमाइंदे हैगे जा उन्हां दे टाउट हैगे पैसे दे के खरीदे वा इहो जिहियां गल्लां। और भारत दे विच नाल ही आ के 5-6 नैशनल ऑर्गेनाइजेशन जिहड़ियां औरतां दी ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने इस गल दे उत्ते एक्शन लिया टैलीविजन दे सोशल मीडिया दे उत्ते, सरकार नूं इत्थों तक कि भारत दे राष्ट्रपति नूं उन्होंने प्रोटेस्ट लैटर लिखे दविंदर जी कि आ जिहड़ी गल हो रही आ इहनूं तमाशे नूं बंद किया जाए। ये आ कि जिहड़ी अथॉरिटी आ ना, क्योंकि ब्लेम सीधा सरकार ते जेले आउण लगा क्यों, और उन्होंने कुछ ना कुछ करना ही सगा, और उन्होंने 3-4-5 जने हैगे वो फड़े हुआ, वो जड़ा मीडिया सेगा ना जेदा उदे ते मतलब सोशल मीडिया जेदे ते उन्होंने अपना वो पाया सेगा फेक अकाउंट बनाए सी जिप्स होब पता नहीं की हैगा GIP HUB ऐप कुछ पाया ही जी, वो बंद कर दिता गया और 2-3-4 बंदे उन्होंने फड़ लाए। पर मेरे कहने तो मकसद ये हैगा कि देखो ये आ कि जेडे घट गिनती दे मनोरिटी दे विच हैगे आ उन्होंने, उन्होंने पता हैगा कि इलेक्शन के दौरान हैगे आ जेडे मुस्लिम हैगे आ उन्होंने इन्हों वोट नहीं पाउणी, BJP वोट नहीं पाउणी, इन्हों बदनाम करिए, इन्हों असी भंडीए, इन्हों डिसकरेज करिए, डिसहर्टड करिए, इहो जिहियां बड़िया ही शर्मनाक जिहड़ियां हरकतां जिहड़ियां वो कीतियां जा रही। सॉरी दविंदर जी, देखो ये गल तो यही है कि जदों जदों ये मुसलमानों के खिलाफ गल करते हैं तो हिंदुओं एक अपने नाल जोड़न की गल करते हैं। हाँ जी, उन्होंने बदनाम करके, मुसलमानों को बदनाम करके अपने वोटा दूसरे पासे जिहड़ियां पक्कियां करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जदों गल करते हैं एक जिहड़ा मसला आया हैगा। हाँ जी, एंटी कन्वर्शन लॉ। हाँ, वह भी है मतलब जड़ा के जड़ा धर्म परिवर्तन। हाँ जी, वो नहीं कर सकते। बिल्कुल, यू नो इंडिया एंटी कन्वर्शन लॉ जड़ा हैगा आ बहुत सारिया स्टेटा दे विच, खास करके जिथे BJP दियां सरकारां जिन्हां स्टेटा दे विच उन्होंने पास किया, और कई हाले प्रोसैस विच हैगा कर्नाटक दे विच जिहदा हाले वो मतलब उन्हें लियाउणा हैगा हाले, और नहीं नहीं कर्नाटक च पास कर दिता पिछले हफ्ते। बाकी थोड़ी कॉल आ गई मेरे ख्याल। अच्छा, हैलो जी, जागर देव जयपी कौन थे कितों साहब जी। हैलो, मैं मोहम्मद दोबारा बोल रहा हूं। मैं सिर्फ एक गल मुख्तसर जी करना चाहना जी, तो तुसी इस्लामोफोबिया का जिक्र किया है, 9/11 का जिहड़ा इंसीडेंट होया सी वो पहले भी हैगा सी इस्लामोफोबिया, लेकिन मेरे एनालिसिस के मुताबिक जो अफगानिस्तान च तालिबान ने अमरीकना नु कढ़िया तो काफ़ी वो खबर आदि रही ने कि तालिबान की काफ़ी उत्तर मतलब अमेरिकन नुशकस दी है, इस तरह के मैं तबसरे सुनता रहा तो जो अफगानिस्तान दबर की वजह न इस्लामोफोबिया ज़्यादा हाईलाइट होया। पर यह है कि अफगानिस्तान की गल अफगानिस्तान रही मोहम्मद जी, ये इंडिया के बेच इलेक्शन स्टंट है एक्शन होना चाहिए, कानून हैगा, लो हैगा, पर सारी कम्युनिटी नहीं भंड सकते, एक बंदे ने किया हैगा तो सारी कम्युनिटी माड़ी हो गई है। इस हिसाब नाल तां किन्ने पैसे लैके भज गए लोगों के, यू नो बाहर मुल्क बैठे आ, सारे गुजराती सी और हिंदू सी, की कहोगे सारे गुजराती माड़े होंगे या सारे हिंदू ही माड़े होंगे, यू नो भी कट इस तरीके दे नाल थोड़ी ब्लेम कर सकते हैं भी जे एक किसी ने कोई कतल किया तो सारा वो पिंड कातलां का हो गया। बाहर बैठे जाके हाँ जी नीरज मोदी मालविया तो होर किन्ने हैगे हाँ जी लखां करोड़ां ही लै गए। बिल्कुल, हुण आपां गल करदे ही जिहड़ा एंटी कन्वर्शन लॉ जिहड़ा पास किया हैगा जां करी जांदे हैगे हौली हौली इन्हें बाकी स्टेटां दे विच वी करना जिथे भी इन्हां दा होगा करके, एक्चुअली जड़ा ये है ये
कानून के अगेंस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन तो यह कहता कि सारे ही बिल्कुल जे कोई भी जड़ा है, चाहे औरत है चाहे मर्द है, किसी भी धर्म का है किसी भी नस्ल का है, वो जड़ा भी चाहे जिस धर्म को चाहे अपना सकता जी जी, जिस धर्म को चाहे उन्होंने अडोप्ट कर सकता, और जे किसी नहीं भी धर्म कोई अपनाना चाहता ना भी अपनावे, उन्होंने कोई जरूरी नहीं है धर्म अपनाना ही है। हैलो जी, जय गुरुदेव, जय भीम, कौन थे कितों साहब जी? हैलो जी, जय भीम, जय गुरुदेव दोनों भरावां नूं। जय भीम, दीवान महिंद्रा जी, वॉइस ऑफ इंडिया, थोड़ा स्वागत है कांछी टीवी ते, की कहना चाहते हो? थैंक यू सर, मैं औरतां दी गल हो रही थी इस करके जी जी, साडी महान और जिहड़ी भारत की पहली टीचर बनी सी बिल्कुल बारे कुछ सुनना चाहता सी, थोड़ी इजाजत हो? बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा टेलीविजन जो मर्जी कहो महाराज। हाँ जी, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਮਾਂ ਐਸੀ ਜਿਸ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਔਰਤ ਦਾ, ਬਿਨ ਵਿਦਿਆ ਕੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਉਹ ਸਰਾ ਰੁਸ਼ਨਾਇਆ ਔਰਤ ਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟੀਚਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾ ਚਮਕਾਇਆ ਔਰਤ ਦਾ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਸ਼ੂਦਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਸਰਮਾਇਆ ਔਰਤ ਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਆਸ਼ਰਮ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਹੈਜੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਟੂੰਡੀ ਲਾਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲਿਆ ਜੀ, ਨਾ ਕੌਮ ਦੇਖੀ ਨਾ ਜਾਤ ਦੇਖੀ, ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਕਿਹੜਾ, ਨਾ ਮਾਂ ਦੇਖੀ ਨਾ ਔਕਾਤ ਦੇਖੀ। ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇਖੀ, ਅੱਜ ਔਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਲਮ ਦਾ ਕਦੇ ਦਬਨ, ਜਿਸ ਕਲਮ ਨਾ ਕਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇਖੀ ਜੀ ਜੀ। ਸਾਥਣ ਮਹਾਤਮਾ ਫੂਲੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਕੇ ਗਈ ਜੀ, ਫੂਲੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਡਟੀ ਰਹੀ, ਫੂਲੇ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾ ਕੇ ਗਈ। ਔਰਤ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾ ਕੇ ਗਈ, ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਸਾ ਕੇ ਗਈ। ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਜੋਤ ਸਵਿਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਨਾ ਜਾਤ ਵੰਸ਼ ਨਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਕਈ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਝੰਜੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਜਗ ਜਨਨੀ ਨੂੰ ਜਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਸਦਮੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਸਹਿਜਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਨੋਖੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਜੈ ਭੀਮ ਤੇ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੀਵਾਨ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਕਵਿਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਐਂਟੀ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਦੈਟਸ ਦਾ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜੀ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫਰੀਡਮ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਮਾਇਨੋਰਟੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੀ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕਪਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਟ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਕਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਔਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਲੋਕ ਇਸਲਾਮ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ, ਵੀ ਅਪ ਟੂ ਦੈਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ 1956 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਵਾਪਸੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਵਰਲਡ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਵਰਲਡ ਦਾ ਰੈਕੋਰਡ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਦੀ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੀਕਸ਼ਾ
दिवस में 50 साल होने हैं तो मैं 2 करोड़ लोगों नाल बुद्ध धर्म अख्तियार करना है, कन्वर्शन करनी है। हुण फिर ये गल चल रही है कि जदों 2025 दे विच जी 2025 दे विच 10 करोड़ लोगों ने बुद्ध धर्म अख्तियार करना है। सो ये जिहड़ियां गल्लां करदे ना निक्कियां निक्कियां बई ये मुसलमान बनी जांदे आ, ये नहीं बनना चाहिए, ये लव जिहाद हैगा, करते हैगे, एक्चुअली इन्हां नूं प्रॉब्लम ये आ कि ये चाहते ने कि बंदियां नूं जिहड़ी हैगी फ्रीडम होवे, जबकि साडा कॉन्स्टिट्यूशन चाहुंदा कि दिंदा सानूं सारिआं नूं फ्रीडम। और जदों गल करदे कि हिंदुआं दी गिणती घटदी आ, गल ये आ, क्वेश्चन ये आ वी हिंदू है कौन आ। मनमोहन भागवत जिहड़े RSS दे हैड हैगे ओह तां कहिंदे हिंदू इज़ नॉट ए रिलीजन, हिंदू धर्म धर्म ही नहीं है, इस वे ऑफ लाइफ है। और नाल इह नहीं दसदे वट सोर्ट ऑफ वे ऑफ लाइफ है, इफ इट्स अ वे ऑफ लाइफ इट्स बैड वे ऑफ लाइफ है। हिंदू इज़ अ वे ऑफ लाइफ है, तो बैड वे ऑफ लाइफ है जो इंसान इंसान ही नहीं समझते, वंडियां पाउंदे आ, औरत नूं कोई हक ही नहीं दिंदे। सो ये तो धर्म नहीं, ईवन सुप्रीम कोर्ट के इन्होंने मनिया कि हिंदू हिंदू धर्म नहीं है। ईवन महात्मा गांधी जी कहते कहते जे यदा कोई धर्म होना चाहिए धर्म का ना होना चाहिए, इच्छा तुरवरण धर्म होना चाहिए। हिंदू आपको पता कि हिंदू वर्ड जोड़ा है वह मुसलमाना का मुगलों का दिता है, उस तो पहला सानू साहित्य पूरे लिटरेचर हिंदू शब्द ही नहीं मिलता। बिल्कुल बिल्कुल। और जोड़ा शब्द वह दिता भी है फारसी और अरबी दियाँ डिक्शनरीज है उन्होंने अर्थ यही निकलता भी ये चोर आ, ये हेराफेरी मैन हैगा, यह क्राफ्टी आ, ये झूठ बोलन वाला आ, योजा है। और जो मोहन भागवत कहते कहते सारे टेरेटरी के जड़े रेंदे हो सारे हिंदू आ, इनडायरैक्टली कहता कि असी सारे वो जो फारसी या अरबी की डिक्शनरी हैगी मीनिंग है असी वो अपने आप मतलब कहते ब्राह्मण धर्म या सनातनी है सनातन धर्म मन वाले। हेलो जी जय गुरुदेव जय भीम कौन जय भीम जय भारत जी जय गुरुदेव जी प्रेम मान जी थोड़ा स्वागत है सारे सारे दोनों स्रोतियां स्टाफ कांशी टीवी नवे साल दी बहुत बहुत बधाई। हथियार मेरे ख्याल सारे देवी देवतिया ने रखे सी जिन्हां दा कोई फायदा डर इन्हां नूं धर्म परिवर्तन तो डर कादा हैगा क्योंकि आदमी का जिदा साढ़े तुसीं कहिंदे हो कि आदमी का अपने ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਧਰਮ ਅਪਣਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਗਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਜੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਬਦਲਦੇ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਉਪਜਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁਵਾਦੀ ਲੋਕ ਆ ਕਿਉਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧਰਮ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਤੇ ਬਾਕੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ ਆਪਣੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 29-30 ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਆ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2% ਆ ਬੁੱਧਿਸਟ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮਨੁਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫੈਲ ਗਿਆ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਆ ਜਪਾਨ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੰਦਰ ਹੀ ਬਣਾਏ ਔਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਜਾਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੂਏ ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਾਰਸ ਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਫਿਰ ਉਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਭਗਵਾਨ ਆ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨਾ
लेकिन आदमी के असूल ठीक होने चाहिए है कि हरेक नूं बराबर का देखना चाहिए, ना कि तू सी कौन है। जातां पातां जिहड़ियां खत्म हो जाणियां चाहीदियां भारत दे विचों। अगर भगवान ने जातां पातां बनाईयां होंदियां तां सारी दुनिया ते होणियां सीआं। इस करके इन्हां चीज़ां दा जिहड़ा इह साडे लोकां नूं एक प्लेटफॉर्म ते इकट्ठे हो के इस चीज़ का विरोध करना चाहीदा हैगा आ कि अपनी आजादी की लड़ाई लड़नी चाहिए है जिहड़ी कि बाबा साहब ने सानूं अधिकार लैके ते संविधान दे विच। मुसलमान मतलब उस तो पहला असि हिंदू नहीं सी, कोई भी हिंदू नहीं सी, बिलकुल मतलब हिंदू ना का शब्द ही नहीं सी अपने खिते भारत जंबूद्वीप उस तो पहला है नहीं सी। और जे आप थोड़ा पिछे जाइए जो बुद्ध धर्म की गल की हैगी बुद्ध धर्म की गल की और उस तो बाद सम्राट अशोक मौर्य वंश का राज आता है और उस वो भी मतलब जरा जीज क्राइस्ट तो भी मतलब 200-250 BC है ना 185 BC ब्रदर्स मौर्य का कतल किया जाता। मतलब उस वेले होर कोई धर्म ही नहीं सी, ना क्रिश्चियनिटी सी, ना इस्लाम सी, ना सिख धर्म सी, या कोई होर धर्म नहीं सी। यू नो सो साडा जे देखा जाए जो पिछोकड़ है सारा उत्थे जुड़दा बिल्कुल। यू नो और जदों बाबा साहब ने सानू जिहड़ा जिहड़ा पूना पैक्ट जदों होया उस तो पहला जिहड़ा सी कम्यूनल वोट मिलिया सीगा, दोहरी वोट का अधिकार मिलिया सीगा। इत्थे रोक लो। हैलो जी जागरदेव जय भीम कौन ते कितों साहब जी। हैलो जी मैं फकीर सिंह चौहान बोलदा बर्मिंगम तो। चौहान साहब तुहाडा स्वागत है कांची टीवी ते, की कहना चाहुंदे हो? अज जिहड़ा ना आप सावित्री बाई फूले बारे मैं उन्हां नूं बहुत उन्हां दे जन्मदिन ते बहुत ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉੱਥੇ ਗਏ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। 1 ਜਨਵਰੀ 1818 ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇੰਨੀ ਸਖਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣੀ ਨਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਪਰ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਲਈ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ 1827 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹ ਜਾਣੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਬਾਅਦ 'ਚ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਫੋਟੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਪਰਣ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਈਆਂ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਮਿੱਥ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ ਵੀ 1 ਜਨਵਰੀ 1848 ਨੂੰ ਉਹ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਣੀ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਿਖਾ ਲਈ ਔਰ ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਤਾਂ ਜੋਤੀਬਾ ਤੋਂ ਲਈ ਸੀ ਜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅਮੈਰੀਕਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਉੱਥੇ ਆਈ ਸਿੰਥੀਆ ਫਰਾਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜਾਣੀ ਉਹਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਿਆ ਸ਼ੋਧਕ ਸਮਾਜ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਹੋਰ ਇੰਨਾ ਦੇਖੋ ਜ਼ੁਲਮ ਜਾਣੀ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੱਚੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਿਆ ਸ਼ੋਧਕ ਸਮਾਜ ਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਦੀ ਜਦ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ 28 ਨਵੰਬਰ 1890 ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੀ ਚਲਾਇਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਬਹੁਤ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਗਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲਾਇਆ
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਨੀ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। थैंक यू जी। हाँ जी, हाँ जी। मैं गल करता सीगा कि जेडे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के जी गल बाबा साहब ने जो केस पुट किया विजय जी कॉल ना लियो प्लीज हूँ वो यही सीगा कि जेडे शड्यूल्ड कास्ट है जेडे मतलब अनटचेबल लोग है जी ये हिंदू नहीं है मतलब ये हिंदुइज्म का हिस्सा ही नहीं है। बिल्कुल। तो इस कर यह अलग माइनोरिटी कम्यूनिटी आ और जेड़े एक माइनोरिटी कम्यूनिटी सहूलत मिलती फैसिलिटीज मिलती राइट्स मिलते हैं वो सानू भी मिलने चाहिए। बिल्कुल। और आधार के उत्ते ही जी ब्रिटिश गवर्नमेंट सी उन्होंने जी दोहरी वोट का अधिकार दिता सी कम्यूनल अवार्ड जिन्हों कहते हैं जिदा कि वह बाकी सिखा भी सी क्रिश्चन भी सी उस तरीके मतलब ये साडा उदो ही क्लीयर हो जाता कि असी जड़े है मतलब जो शड्यूल कास्ट लोग है वह हिंदू नहीं है इस मतलब रिटन चीज है और जो शड्यूल ट्राइब्स है उन्होंने अपना कल्चर अपना धर्म है वह भी हिंदू नहीं है अपने जे भी सी है अदर बैकवर्ड क्लास या बैकवर्ड क्लास है उन्होंने भी देखना चाहिए वो हिंदू है कि नहीं है असी जिन्हों मोहन भागवत होनी तो इन्हों हिंदू मानते नहीं वो कहते हिंदू धर्म ही कोई नहीं है तो अपने आप में सनातनी कहें सनातनी तकरीबन उन्होंने कहा जाता है कि जी कम्यूनिटी आ जनेऊ पाई बिल्कुल जे अपने आप सुप्रीम समझते हैं बाकी जो इतने मूल निवासी लोग है उन्होंने अगे इन सदियाँ उन्होंने गुलाम रखिया। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने को मुफ्त स्लेवरी कराई अनटचेबल लागे नहीं लगन दिता उन्होंने एजुकेशन नहीं लैन दी मतलब एजुकेशन जी जे ओ बी सी सारा ही जन सारे एजुकेशन नहीं सी लैन दिती सारे प्रॉपर्टी रखने का हक नहीं सी सारे एजुकेशन लैन का हक नहीं सी ये चाहते कोई जात नहीं बदल सकता सी एक जात दूजे जिस जात में जमया उसी जात में मरना यानी जिस वर्ण में जमया उस वर्ण में जीना तो उस ही मरना ये मुड़ के हुण भी यही चाहते कि जी कन्वर्शन हैगी लो बना दिता जाए कि लोग अपना धर्म ही ना बदल सकन जिथे है उत्थे ही रहन जे नवा धर्म चलाते जे रविदासिया धर्म चलाते जे वाल्मीकिया धर्म चलाते हैगे आ वो नहीं कर सकते इट्स नॉट पॉसीबल वह अगेंस्ट द लॉ होना यानो सो पर यह जी मतलब जी प्यारे दर्शको ये जड़िया गल् है बहुत डूंगिया और बहुत लंबिया है इन्हों समझ की जरूरत है क्योंकि हिंदू जड़े आदों भी कहें कि हिंदू हिंदी हिंदुस्तान वो क्यों कहेंगे और ना ही कहें कि 90% जोड़ा इंडिया आ हिंदू आ बिल्कुल सही कहेंगे वो हिंदू इदा कहेंगे कि जिसले प्यारे दर्शको ख्याल ना सुनियो मर्द शुमारी आँदी है असी मर्द शुमारी दे बेच अपना धर्म जिहड़ा आ उत्थे जिहड़े चार पंज धर्म हैगे उन्हां दे विचों असी अपनी जात लिखदे आ वो जिहड़ा भी जात लिखदा वो हिंदुआं दे विच जांदा क्योंकि हिंदुआं दे विच जात पात है। बिल्कुल है जी। वो जात जे मैं अपना आ धर्म ही लिखदा जां मजहबी लिखदा जां उन्हां दे दूजे जिहड़े धर्म हैगे 7,500 जातां हैगियां उन्होंने असी लोग जेड़े अपन जात लिखी जाने अपन जात लिखते हैं साड़ी जात की आ धर्म वो हिंदू धर्म दिया जात आ तो वह हिंदू धर्म के असी उन्होंने जी गिणती वो बधाने असी हिंदू धर्म जरा हिंदुइज्म जरा असी स्ट्रोंग करते हैं ये करते हैं जान के जा करते हैं जी करते हैं कि सानू पता नहीं असी अणजाण अनपढ़ क्योंकि ये उत्थे मजोरिटी लोग जेड़े आ अनपढ़ इस गल हाले समझते नहीं हिंदुओं की 90% आबादी किदा होंगी है सारे जाता पाता 7,500 जातों वाले जेड़े असी है असी अपनी जात लिख दें उत्थे वो जात जेड़ी भी लिखते हैं वो हिंदू धर्म के काउंट होंगी है ये बिल्कुल सच्ची गल हैगी। अच्छा जितों तक कन्वर्शन का है जदों तक जदों की भी 16-14 तो बीजेपी गौरमेंट आई प्यारे दर्शको टाइम बड़ा जल्दी ना जा रहा और मैं कन्वर्शन तो कहना चाहना है कि जदों तो मोदी गौरमेंट आई है 14 तो बाद इन्होंने कई हथ कंडे मारे पहला तो इन्होंने जेड़े सके हिंदुआ तो दूजे धर्म च गए सके कोई क्रिश्चियन च कोई बुद्धिस्ट या कोई मुस्लिम है कोई कितों भी जाते इन्होंने कोशिश की
कि उन्होंने रीकनवर्ट करके हिंदूइज्म च लियाइए। उन्होंने ये कह लगे कि घर वापसी कुछ लोगों इन्होंने पैसे पूसे दे के रोटियां खिला के इन्होंने किया फोटो 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 फाटो छपाइया वो लहर चलाई वो चली नहीं। उस तो बाद इन्होंने कई कुछ होर भी किया लव जिहाद भी असी उसते प्रोग्राम किया है कि कोई मतलब इंटरकास्ट मैरिज कर लेंदा एक तर तो दूजे कर लेंदा उन्होंने उत्ते इन्होंने अत्याचार करने शुरू किए उन्होंने फड़ के लगाए उन्होंने जेल च भी सुटिया उन्होंने केस भी किए कि लै जी जबरदस्ती किया। हुण यह आ कि इत्थों तक कई ने क्योंकि कंस्टीट्यूशन ये कहता कि कानून जो धर्म के नाँ के उत्ते तुम इदा का कानून नहीं बना सकते नैशनल गवर्नमेंट जी कंस्टीट्यूशन तो बाहर नहीं जा सकती पर सूबिया के बेच करनाटक होया अरुणाचल होया मध्य प्रदेश होया यूपी होया उत्तराखंड होया जिथे भी बीजेपी की जिस तरह तुम क्या हुकूमत है उत्थे इन्होंने ये आ कि एंटी कन्वर्शन लॉ बना के उसके जुर्माने रख दते जेल रख दियाँ। हूँ प्यारे दर्शको अद्धा मिनट रह गया ये सिर्फ असं ये कहना चाहते हैं जिन्हें साथियों ने हिस्सा लिया टैलीफोन करके उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। तुम भी घर अपने टैलीविजन के मूहरे सुनते हैं और सानू इस गल का बड़ा हौसला है कि साडा प्रोग्राम तुम सुनते बड़े प्यार दे नाल और असी सारियां दा धन्यवाद करते हाँ। हुण साडे दोहां वालों प्रेम भरी नमस्कार जय गुरदेव जय भीम और अगले प्रोग्राम च भी इहो जिहा असी मुद्दा लैके तुहाडे सामने